नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने जय श्री राम ओम चैनल पर। हर माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर फिरदोष व्रत रखा जाता है। शिव पुराण में फिरदोष व्रत की महिमा बेहद उत्तम बताई गई है। इस दिन भगवान भोले बाबा के फिरदोष व्रत रख साधक भोले बाबा के साथ साथ माता पार्वती की पूजा भी करते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक को सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। फिरदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और भोले बाबा की कृपा प्रदान करने वाला होता है। हर माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को फिरदोष काल कहा जाता है। फिरदोष व्रत भगवान भोले बाबा को समर्पित है। आइए जानते हैं फिरदोष के व्रत के नियम, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि के बारे में। फिरदोष व्रत का शुभ मुहूर्त रहेगा साल 2024 में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष का फिरदोष व्रत 5 मई रविवार को रखा जाएगा। फिरदोष काल शिव पूजा का शुभ मुहूर्त उस दिन सर्वाग सिद्धि योग सुबह 5:37 से लेकर शाम 7:57 तक है। रवि फिरदोष रुद्राभिषेक सुबह शुभ मुहूर्त 5 मई को शिवपास नंदी पर सुबह से लेकर शाम 5:41 तक है। वैशाख कृष्ण त्रयोदशी प्रारंभ होगी 5 मई सायंकाल 5:41 से। वैशाख कृष्ण त्रयोदशी समाप्त होगी 6 मई दिन सोमवार को दोपहर 2:40 तक रहेगी। पंचांग को देखते हुए इस बार फिरदोष व्रत 5 मई 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। फिरदोष व्रत का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में फिरदोष व्रत का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक इस पवित्र दिन पर कठिन व्रत का पालन करते हैं उन्हें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही शिव जी की कृपा मिलती है। कुछ लोग इस विशेष दिन पर भगवान शंकर के नटराज रूप की भी पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवों के देव महादेव ने तांडव करके राक्षस अप्सरा पर विजय प्राप्त की थी। बता दें कि भगवान शिव के नृत्य रूप को नटराज के रूप में जाना जाता है, जिनकी आराधना से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। फिरदोष व्रत की पूजा विधि। फिरदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर साफ कपड़े पहने, फिर अपने घर के पूजा स्थल पर भगवान भोले बाबा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें और माता पार्वती के साथ हो और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। फिरदोष व्रत के पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। इस दिन हो सके तो निर्जला उपवास करें और निर्जला उपवास करना और भी फलदायी माना जाता है। शाम के समय भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद पलार से अपना व्रत खोलें, उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके भोले बाबा की पूजा करें। फिरदोष व्रत के कुछ नियम भी हैं। फिरदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। फिरदोष का व्रत एक बार में 11 या 26 फिरदोष तक ही रखा जाता है। इसके बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन करके आप दोबारा दिन व्रत को रख सकते हैं। व्रत में नमक, लाल मिर्च और अन्न का सेवन ना करें। व्रत फिरदोष व्रत के दिन दान दक्षिणा देने का भी विशेष महत्व है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। आप फिरदोष के दिन कोई उपाय करना चाहते हैं तो फिरदोष व्रत के दिन घर में गंगा जल छिड़कने से सुख शांति और समृद्धि आती है। इससे नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। रवि फिरदोष व्रत के लिए शिवलिंग पर 108 बेल पत्र अर्पित करने के भी विशेष लाभ मिलते हैं। दूसरा उपाय है, फिरदोष के दिन व्रत नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, पूजा नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि फिरदोष के दिन अपने ही दरवाजे के पास से पतिदेव महादेव का स्मरण करके लक्ष्मी माँ लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए अपने ही दरवाजे के पास में एक दीपक जरूर जलाएं। क्या आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आइकन बेल को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। थैंक यू ऑल। जय माता दी। जय श्री राम।